ये मुखलोगों में आपके पैर सुन के छू रहा हूँ। ये सब काम आ लो अम्मा पकड़ो यस सर ये आ जाओ सर आ जाओ आ जाओ चलो ए अब्बू को इनको तो रोज तारीफें मिलती है लेकिन ये तारीफ के पीछे हकदार बहुत और लोग भी हैं जो मेकअप करते हैं लाइटिंग करते हैं सब कुछ करते हैं। हमारे जो टेक्नीशियंस हैं ना वो सब हमारे दिल में रहते हैं सबके दिल में रहते हैं हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं वो है तो हम हैं सो टेक्नीशियंस के लिए एक्टर्स के लिए क्रिएटिव टीम के लिए चैनल टीम के लिए वहीं पे जहाँ बैठे वहीं पे ये निकाल देना तुम दादा दादा और पास में आ जाओ दादा बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ सर लेफ्ट
वेट चलो चलो सर करा दो मैम सर मैम यस कैमरा एक्शन रोलिंग चलो हो गई सबकी फोटो बाइट्स कराऊं अभी बताएं जी इतना क्या कुछ बताना चाहेंगे आप बहुत कुछ के बहुत खुशी हुई है कि ये ऐसे लग रहा है कि बस पता भी नहीं चला और सच में अभी हमारी आंखों के सामने ये सेट हमने बनते हुए देखा है क्योंकि मैं यहाँ शूटिंग भी करता था भाभी जी की और देखते ही देखते हमारे शो को भी आज 3 साल हो गए हैं और ठीक 2 दिन पहले हमने अभी केक काटा क्योंकि भाभी जी घर पे हैं को भी 7 साल हो गए थे तो मैं तो डबल मज़े ले रहा हूँ बाकी अपना अपना मज़ा ये भी बताएंगे मैं तो डबल मज़े ले रहा हूँ हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि और मेहनत करें ताकि ये शो और चले क्योंकि इतना प्यार आपने दिया है और हमारी उम्मीदें और बढ़ गई हैं आपसे तो और हम आपसे और प्यार लेंगे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आजकल के ज़माने में शो सिर्फ 3 महीने या 6 महीने तक चलते हैं मैक्सिमम 9 महीने साल भर हाँ। लेकिन हमारा हप्पू की उल्टन पलटन कोविड का ब्रेक आने के बावजूद चला जा रहा है मसलसल और लोगों का प्यार हमें मिल रहा है विच इज़ वेरी रेयर और मैंने बहुत सारे किरदार करे हैं तो जितना मज़ा मुझे हप्पू की उल्टन पलटन अब तो हम लोग एक फैमिली की तरह हो गए हैं ये मेरा बेटा ये मेरी बहू और हमारे इनके बच्चे मेरे पति देव जो कि सिर्फ मुझे ही दिखाई देते तो किरदार करने में इतना मज़ा आ रहा है और हप्पू की उल्टन पलटन करने में इतना मज़ा आ रहा है और आज तो इतनी खुशी हो रही है कि मुझे आई कांट इवन से आई एम ओवरवेल्म्ड डे 1 से लेकर आज तक की जो एक्सपीरियंस आपने फील किया है जो आप ऑडियंस से कनेक्शन एक बना दिए हैं उसके बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे जिस तरह से ऑडियंस आपके कैरेक्टर को लेकर जानती है बिल्कुल इस कैरेक्टर का तो कनेक्शन आप देख रहे हैं कि जैसे भाभी जी से ही बन गया था उसी वजह से शायद लोगों ने जब पसंद किया तो उसी वजह से ये शो बना तो कनेक्शन तो बन ही गया था लेकिन इतना प्यार इस शो को भी मिलेगा क्योंकि भाभी जी अपने आप में बहुत बड़ा हिट है मतलब जो था तो नहीं बोलूँगा अभी भी लेकिन इतनी उम्मीद नहीं थी कि लोग भाभी जी जैसा ही इसको भी इतना रिस्पांस देंगे मुझे ये लग रहा था कि साल 1.5 साल भी चल गया तो बहुत अच्छी बात है बट यहाँ तो देखते देखते 3 साल हो गए हैं हम भी 700 एपिसोड शायद 700 के ऊपर हमारे एपिसोड पहुँच गए हैं तो देखते देखते अभी 1000 का भी हम केक काटेंगे तो बहुत खुशी है बहुत अच्छा लगा हाँ जी बहुत ही खूबसूरत किरदार मिला है करने को जिसमें और हर बार नई कहानी आती है तो ये बहुत खूबसूरती है हमारे शो की कि सिर्फ एक ही कहानी नहीं कि सास को सास तो तंग कर रही बहू को और बहू बेचारी रोए जा रही है ऐसा कुछ भी नहीं है हर बार नई कहानी है हर बार नई कहानी कुछ नया करने को मिलता है तो एज एन एक्टर आपको और क्या चाहिए और जहाँ तक मेरा सवाल है मैंने बहुत सारे किरदार करे हैं अपने करियर में टीवी में फिल्म्स में थिएटर में और कटोरी अम्मा का किरदार भी मैंने इसीलिए किया था कि बहुत ही खूबसूरत इतने सारे आयाम लेकिन मुझे वाकई नहीं पता था कि ये इतना पॉपुलर हो जाएगा टीवी पे मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स किए लेकिन मेरा जो पहला कैरेक्टर बहुत पॉपुलर हुआ था देवकी भौजाई और देवकी भौजाई के बाद कटोरी अम्मा भी उतना बल्कि और ज़्यादा पॉपुलर इसलिए हुआ है कि वो तो दूरदर्शन था उसकी रीच कम थी लेकिन एन टीवी और आजकल सोशल मीडिया और ये सब इतने चैनल्स हो गए और जब हम लोग बाहर जाते हैं हम तो आते हैं सेट पर अपना काम करके एंजॉय करके चले जाते हैं लेकिन जब कभी बाहर ट्रैवल करते हैं तो तब हमको एहसास होता है अरे बाप रे लोग कितना प्यार करते हैं और ख़ासकर मैं देहरादून की उत्तराखंड की तो उत्तराखंड मतलब पूरा उत्तराखंड हप्पू की उल्टन पलटन मतलब मैं एक NSD का एक फंक्शन में गई हुई थी तो वहाँ पे वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर और जो कल्चरल मिनिस्टर है वो आए हुए तो वो मुझे बोले
भैया हम तो हप्पू की उल्टन पलटन जरूर देखते हैं और हमारा पूरा परिवार सब कुछ काम शाम छोड़ कर हप्पू की उल्टन पलटन देखने बैठ जाता है। तो ये इतना बड़ा पैट ऑन द बैक यूपीएमपी के लोग पसंद करें तो है, बट बाकी लोग भी हाँ बाकी लोग क्योंकि ये भाषा उत्तराखंड में तो गढ़वाली भाषा, लेकिन फिर भी वो यहाँ की भाषा को एक्सेप्ट करते और बहुत सारे लोग बोलते कि उसका मजा ही उसकी भाषा। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे से लेके बूढ़े कोई भी हर एज का दर्शक हर, भी हर मिला बच्चा हमें। बच्चा बोलता है अरे दादा तो मतलब कुछ सीरियल होते हैं जिसमें एक खास एज वाले ज्यादा मजे लेते हैं बाकी लोग नहीं भी लेते। इसका जो रिस्पांस मैंने देखा है, मैं जाता हूँ बाहर इवेंट में भी जाता हूँ तो छोटे छोटे बच्चों से मैंने देखा मेरी कॉस्ट्यूम वर्दी पहन के मेरे बड़े बड़े फोन कट उनको याद हैं और मेरी एक्टिंग करके बता रहे हैं छोटे छोटे कॉलेज में छोटे छोटे बच्चों सब जगह। जब इतना अच्छा रिस्पांस मिलता है तो किस तरह की आपको मतलब फीलिंग महसूस होती है, क्या कुछ अचीवमेंट ऐसा फील होता है? बस हम तो यही फील करते हैं, हम यही फील करते हैं जिस वजह से हमने मुंबई की ट्रेन पकड़ी थी वो सपना सच हो रहा है। हम यही करने आए थे और वही करने को मिला। ये सब किसी के साथ होता नहीं है, करना सभी चाहते हैं बट किसी किसी को मौके उतने मिलते हैं किसी को नहीं। हमने इसी वजह से मुंबई की ट्रेन पकड़ी कि हमें लोग जाने, हमारे काम को इंजॉय करें, हमारी तारीफें हों, हमारे काम को पसंद करें। तो इस शो से मेरा वही हुआ है। लो लाइट ही चली गई। डन डन सो लास्टली ऑडियंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आगे के एपिसोड में, क्या कुछ बताना? भैया हम तो जो ही कह रहे हैं कि ऐसे ही प्यार से अपनी न्यौछावर देते रहियो, हम ऐसे ही प्यार से शो आगे बढ़ाते रहेंगे। तो बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद। ओके, पहली बात तो थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशन टू द हाँ ओके कैन यू लाइक स्टार्टेड अगेन। ओके, फर्स्टली कंग्रेचुलेशन टू द एंटायर टीम ऑफ हप्पू की उल्टन पलटन एंड थैंक यू सो मच टू आर लवली ऑडियंस कि आप लोगों ने हमारा शो इतना देखा कि हमें 3 साल आज पूरे हो गए हैं एंड इट स्टिल फील्स लाइक कि हमारा डे वन है बिकॉज दैट एग्जैक्ट एनर्जी वी हैव व्हाइल वी शूट एंड अदरवाइज ऑल्सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग आई थिंक एंड दिस इज समथिंग ह्यूज बिकॉज हमारे 700 एपिसोड्स भी अभी रिसेंटली कम्प्लीट हुए हैं। सो इट्स ऑल टुगेदर अ वेरी गुड वाइब। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? माय एक्सपीरियंस हैज बीन वंडरफुल, इट हैज बीन ग्रेट एंड the environment is like amazing and thanks to like Sanjay is not here jo Kamlesh play karte hain, I've been missing him so much today, unke bina Kate bahut adhuri si hai, so it's like it's him and it's me, to jab tak wo saath mein hai mere as a character I think I've been doing great. Okay, on screen to bahut hi zyada audience pyar de rahi hai, off screen ke bare mein kya kuch batana chahenge, kis tarah ki bonding hai, kitna masti karte hain? Off स्क्रीन एक्चुअली हम सबकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा, जैसे हमारे ऑन स्क्रीन दिखती है ना वैसे ही ऑफ स्क्रीन भी है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कोई लड़ाई झगड़े हैं कुछ भी, बिकॉज सारे बच्चे हैं यहाँ पे। मेरा कोई छोटा बहन भाई नहीं, जैसे मैं पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ, मेरे को इतने सारे छोटे छोटे बहन भाई मिल चुके हैं अभी यहाँ पे। और मम्मी पापा एग्जैक्टली वैसा प्यार करते हैं जैसे शो में करते हैं, दादी एग्जैक्टली वैसा प्यार करती है जैसे शो में करती हैं, संजय वैसा प्यार नहीं करता लेकिन एक दोस्ती वाला प्यार करता है जो कि मैं भी उससे करती हूँ, विच इज़ आई थिंक अ गुड थिंग। एंड एवरीबडी एल्स, चाहे वो हमारे टेक्नीशियंस हो कोई भी हो, द एंटायर टीम, एवरीबडी लव्स अस एंड वी वर्क लाइक अ फैमिली एंड आई थिंक विच इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। स्टार्टिंग से लेकर टिल नाउ क्या कुछ बताना चाहेंगे बेस्ट मेमोरी के बारे में? बेस्ट मेमोरीज आई रियली कांट पॉइंट आउट वन मेमोरी। तो मैं एक जो सबसे फर्स्ट हमारी मेमोरी थी आई थिंक वो वही थी कि जब हमने फर्स्ट वीक में आई रिमेम्बर हमारा TRP बहुत अच्छा आया था एंड वी वर लाइक सेलिब्रेटिंग विद सो मच ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। आई रिमेम्बर बिकॉज दिस इज़ माय फर्स्ट कॉमेडी शो एंड मैंने कभी सोचा नहीं था कि 3 साल तक चलेगा ये। और आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू ऑल कि मतलब आप लोगों ने इतना प्यार दिया एंड आप लोग हमें इतना सपोर्ट करते कि हम यहाँ तक पहुँच पाए। थैंक यू। हम ये कहना चाहेंगे कि आपने अभी तक हमारा शो देखा और हमें इतना प्यार दिया, आगे भी ऐसे ही प्यार देते रहें और ये 3 साल नहीं ये और भी आगे बढ़े, ये सब सिर्फ आप ही की वजह से होगा। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए और हमारा शो देखते रहिए और थैंक यू। मंडे टू फ्राइडे हप्पू की उल्टन पलटन, हाँ रोज़ 10 बजे देखिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए हमें, ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए एंड कीप सपोर्टिंग अस एंड डू टेल अस, मतलब हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट से यार हमें पूछा करो हमारा कैरेक्टर कैसा लगता है यार, फॉलो करो हमें भी प्लीज़। जो आप लोग कैरेक्टर निभा रहे हैं उसको कितना एंजॉय कर पाते हैं?
मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करता हूँ, क्योंकि एक्चुअल में भी मैं कुछ ऐसा ही हूँ, मस्ती करता रहता हूँ, परेशान करता रहता हूँ। एक्चुअल में जैसे हम सीरियल में लड़ते हैं वैसे सेम हम तीनों वैसे लड़ते रहते हैं, स्पेशली चमची के साथ तो बहुत ही लड़ते हैं। मतलब मैं प्रैंक्स करता हूँ इस पर, सोती है तो पानी वानी डाल देता हूँ, हमारी मस्ती चलती रहती है। ऑफ स्क्रीन मस्ती तो मतलब ऑफ स्क्रीन भी चलती रहती है, ऑन स्क्रीन भी चलती रहती है, और ऑफ स्क्रीन बहुत ज़्यादा चलती है। हम लोग बहुत लड़ाई करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, कूदते हैं, उसको तो मैं बहुत मारती हूँ। चलिए ये तो बड़े, इनको मैं छोड़ देती हूँ। बड़े नहीं नहीं, वो क्या ना, मेरा करेक्टर तो मुझे अच्छा ही लगता है, गाने मेरे गाने। और मुझे मतलब ऐसा, जब मेरे को बोला था कि आपको चुगली करनी है तो मुझे बहुत ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मैंने आज तक चुगली नहीं करी। झूठ बोल, मैंने आज तक नहीं करी चुगली, मैंने नहीं करी। चलती के आगे बोल। हाँ, तो मैंने कहा वाह मुझे चुगली करनी है, तो मैंने इसलिए सोचा कि समथिंग न्यू। हाँ, समथिंग न्यू। अभी तक का बेस्ट डे क्या कुछ रहा शूटिंग का? बेस्ट होली, होली मुझे बहुत पसंद है, मतलब क्योंकि यहाँ पे होली के दिन पे दिवाली होती है। अरे हाँ, एक स्टोरी आई थी जिसमें हमने होली नहीं दिवाली के टाइम पे होली बनाई थी। हम लोग ने एक्चुअली होली के दिन पे दिवाली खेली थी, और दिवाली के दिन पे होली खेली थी। नहीं, दिवाली पे होली खेली थी, होली पे दिवाली खेली थी। हाँ, सब लोग बाहर होली खेल रहे थे और हमारे घर में दिए जल रहे हैं, हम लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, तो बाहर सब कुछ मामला। होली आने वाली है, किस तरह का तैयारी चल रहा है, क्या कुछ बोला? अभी हमें भी पता नहीं है लेकिन भी अगर पता होता तो थोड़ा बहुत बता देते। एक्चुअली हमें पता नहीं है स्टोरी की, बाकी स्टोरी आ रही है, ऐसा मुझे पता चला है, बहुत अच्छी स्टोरी आ रही है। आप लोग देखना होली की स्टोरीज भी, और आगे ऐसे देखते रहिए। थैंक यू। तीन साल कम्प्लीट हो गए, केक कटिंग हुई और सब मस्ती कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, आप लोग क्या कुछ बोलना चाहेंगे? आप बोलिए, लेडीज फर्स्ट। मेरा 3 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, मुझे भी 1 साल ही हुआ है, और ऐसा लग रहा है 3 साल के बराबर है, क्योंकि मैंने यहाँ बहुत फ़न किया, बहुत मज़े किए, और मेरे लिए प्रोडक्शन हाउस बहुत पुराना है, सो मैंने काफ़ी काम किया है इन लोगों के साथ, और यहाँ पर भी मुझे ऐसा लग रहा है एज़ अ फैमिली मैं काम कर रही हूँ, और क्या नया कर सकती हूँ वो दर्शकों को दिखा रही हूँ, और दर्शक मुझे पसंद कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। ऑब्वियसली जैसा सब लोग कह रहे हैं वैसी ही चीज़ है, बट उसके साथ मैं ये बोलूँगा कि मतलब 2006 से आफ्टर एनएसडी पास आउट मैं जब भी मुंबई आया, कई सारे शोज़ किए थे, उन सब के साथ भी अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन यहाँ पर एक नई बात है कि बिनाफर जी और संजय कोहली जी, ये लोग मतलब इनका तो बहुत पुराना, बहुत सालों से कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ काम करके मैंने देखा कि ये सबसे यूनिक है, बिकॉज ऑफ द टीम वर्क यहाँ सबसे ज़्यादा है। एज अ थिएटर डेज में हम लोग का होता था, कोई भी अपना बेस्ट का इनपुट डाल सकता है और सब लोग उसको सुनते थे, कोई हायरार्की नहीं है, बहुत लड़ाई झगड़ा होता है मस्ती मजाक वाला, लेकिन फिर ये होता है कि एंड प्रोडक्ट जो है उसको हमें बेहतर करना है, उस हिसाब से हम लोग करते हैं। और हम लोग कई सारी चीज़ें किरदारों का, नाम का, मतलब राइटर मनोज जी, रघु जी, इन सब लोग का, इन द सेंस चैनल का बहुत अच्छा सपोर्ट है, प्रांशु और इन सब लोग का, और ख़ास करके थैंक यू बोलूँगा दर्शकों का जो इतने दिनों से देख रहे हैं, मज़ा आ पा रहा है उनके, मतलब कहीं भी जाता हूँ एयरपोर्ट पे, कहीं भी, कई पुलिस वाले ये वो नाम लेके बात करते हैं, और मैं आप सब लोग का भी थैंक यू बहुत ज़्यादा देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा और अच्छे तरह से आते हैं एंड विदाउट एडिटेड वर्जन रखते हैं, और यूथ देखता हूँ आप जैसे लोगों को और सब लोगों को, तो उसमें मज़ा मिलता है यार। थैंक यू, पूरी दुनिया तरक्की करे यार, सब लोग तरक्की करें, थैंक यू सो मच। इस तरह का कैरेक्टर है आप दोनों का, वो बहुत ही ज़्यादा ऑडियंस तो पसंद करती हैं, और जान पहचान भी हो गई है, जिस तरह से ऑडियंस आपसे कनेक्ट करती है, कहीं भी मिलते हैं ऑडियंस बोलती है कि हम वहाँ आपको देखते हैं, तो किस तरह की फीलिंग आती है जब इतना सराहना और इतना प्यार मिलता है? मुझे ऐसा लगता है ना, वो टेक्निकल एक पॉइंट है कि जो क्रिएटिव है, चैनल हो या राइटर हो या डायरेक्टर शशांक जी, ये सब लोग और हम सब लोग इतने साउंड होते हैं कि जो समसामयिक जो अभी चल रहा है, मतलब कंटेम्प्रेरी जो चीज़ चल रहा है, उसको एक मजाक के थ्रू, एक हल्के लाइट माहौल के थ्रू उसको हम लोग स्क्रिप्ट में डालते हैं, इसलिए जो ऑडियंस जो घर पे बैठी हुई है वो उस चीज़ को जोड़ती है अपने हिसाब से, और वो जल्दी कनेक्ट हो जाती है। आपका हाथ दर्द कर रहा होगा शायद, है ना? ठीक है, तो वो लोग ना अपने आप से रिलेट करती है, तो इसलिए शायद इतना ज़्यादा जुड़ाव हो जाता है और प्यार मिलता है। कभी कभार कुछ एक चीज़ें पसंद नहीं आती तो वो भी फैन पेज में आ जाता है, ये चीज़ बदलो, ऐसा बदलो, वैसा बदलो, बट ठीक है, मतलब ऑडियंस के साथ भी एक थोड़ा सा घर परिवार टाइप का ही एक रिलेशन चलता है। मैं भी यही बोलना चाहूँगी कि जो कैरेक्टर हम उसको अच्छे से निभा पाते हैं और वो दर्शकों के दिल में जगह बना लेता है, तो बहुत अच्छा लगता है कि हम उस कैरेक्टर को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। सो मुझे भी लगता है कि मैंने अलग अलग कैरेक्टर बहुत किए हैं,
तो एज अ कि बिमलेश जा रही है देखो वो, तो अच्छा लगता है कि मैंने अपने कैरेक्टर को दर्शकों तक पहुंचाया, उनके दिल तक पहुंचाया। सो बहुत लोगों का तो मतलब जब से ये स्टार्ट हुआ था और अब ये 3 साल की जर्नी कंप्लीट हो गई है, ऐसा मतलब लगा ही नहीं था कि ये शो चलने वाला है या फिर चलेगा। उसको लेकर क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे जिस तरह से ये सक्सेसफुल रहा है शो अभी तक? देखो दोस्त, ऐसा है कि वैसा होता है ना, कुछ एक फिल्मों में भी ऐसा कहा जाता है कि बच्चा पैदा होता है उसको फुटबॉलर बना रहा है, इंजीनियर बना रहा है, तो ये बनाने पे हम लोग नहीं कहते कि हमको एक हिट शो बनाना, नहीं, हमको एक नॉर्मल सी एक स्टोरी है और बहुत अच्छे से नॉर्मली एंजॉय करते हुए आपको एक शो करना है, अपना अपना किरदार करना है। सारे लोगों ने कोई ऐसा सुपर कुछ करना है ऐसे सोच के नहीं आए थे कि हम लोग को मतलब बाहुबली बनानी है, तो वो जो नेचुरलिटी थी, वो जो प्योरिटी थी, वो जो ईजीनेस था ना, वही चीज़ इस चीज़ को 3 साल तक ले आया है। ऊपर वाला करे, खुदा करे कि और आगे चले, और लोगों ने ना वो प्योरिटी, वो जो सरलता है उस चीज़ को पकड़ा है, और हम लोग कोशिश यही करेंगे मतलब सारे लोग मिलकर कि उसी सरलता को मेंटेन रख सकें। मैं तो बस थैंक यू बोलना चाहूँगी, और क्या, इन्जॉय कर रहे हैं हम और ये बहुत आगे जाए शो, और अच्छे से हम लोग कुछ नया करके। आपकी पीआर टीम की मैं मतलब मैं बोलूँगा कि बहुत तारीफ़ करनी चाहिए आप सब लोगों की, क्योंकि इतने छोटे छोटे पॉइंट्स है, कभी कभार मैं अलग अलग पेजेस पे देखता हूँ जिस पे हम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया, इंटरव्यू के थ्रू या किसी और भी चीज़ों के थ्रू कट पेस्ट करके वो उसको लगा के मतलब उसको प्रमोट करते हैं ना, वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि यार इस जगह पर हमने ऐसा सोचा ही नहीं था, तो थैंक यू टू यू ऑल्सो। थैंक यू।